आज हम करेंगे भस्त्रिकासन। पहले मैं आपको बताऊंगी कि भस्त्रिका के फायदे, उसके बाद बताऊंगी भस्त्रिका करते कैसे हैं, और सबसे लास्ट में बताऊंगी कि किस किस को भस्त्रिकासन नहीं करना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर एक, खांसी, साइनस, अस्थमा, फेफड़ों की दिक्कत व जिनकी नाक बंद रहती है उन्हें भस्त्रिकासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे धीरे धीरे हमारी जो भी ये दिक्कत है इसमें आराम पड़ना स्टार्ट हो जाता है, बल्कि आराम धीरे धीरे नहीं बल्कि मैं कहूंगी तुरंत आराम पड़ना स्टार्ट हो जाता है। नंबर टू, जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं भस्त्रिकासन करने से उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि हमारी मेमोरी बढ़ने लगती है और हमारा आईक्यू लेवल भी बढ़ने लगता है। बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भस्त्रिकासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम वैसे भी आप जानते हो कि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, तो बच्चों को उसके लिए भस्त्रिकासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी इससे मेमोरी अच्छी होगी और उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। नंबर तीन, हमारा जो शरीर है इसकी हर एक कोशिका को भस्त्रिकासन करने से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि हमारे शरीर में शक्ति का संचार बढ़ जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाता है। नंबर चार, हमारा जो मस्तिष्क है भस्त्रिकासन करने से शांत होता है और जिससे कि हमें रात को नींद बहुत अच्छी आती है। अब मैं बता देती हूँ, ये तो आपको मैंने बताए फायदे, अब बताती हूँ कि भस्त्रिकासन करते कैसे हैं। भस्त्रिकासन करने के लिए सबसे पहले हमें सुखासन में बैठना है, ऐसे सुखासन में बैठना है, और बैठने के बाद में हमें अपने हाथों को ऐसे मुट्ठियां बनाना है, लेकिन कंधों से एकदम सटानी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे रखना है। और भस्त्रिकासन में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी सिखाने से पहले, कि सांस लेनी है तो जोर लगाते हुए लेनी, देखिए कैसे, और छोड़नी है तो जोर लगाते हुए छोड़नी है ऐसे, ठीक है। हाँ, अब मैं बताती हूँ, और मुंह से ही लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है, नाक से सांस लेनी है, मुंह बंद रखना है। तो भस्त्रिकासन के लिए पहले आप ऐसे सुखासन में बैठने के बाद में हाथों को ऐसे मुठिया बनाएंगे, कंधों के बराबर में करेंगे, सटाएंगे नहीं, कंधों से थोड़ा दूर रखेंगे, और सांस लेते हुए हमें हाथ ऐसे ऊपर लेके जाने हैं और मुठिया खोल देनी है, देखिए कैसे, हाथ ऐसे सीधे रखने हैं और ये मुठिया ऐसे खोल देनी है, और सांस छोड़ते हुए हम वापस आएंगे और मुठियों को बंद कर लेंगे। सांस लेते हुए फिर से, सांस लेते हुए गए तो हमने मुठियां खोल दी, और सांस छोड़ते हुए तो मुठियां हम बंद कर लेंगे ऐसे। अब मैं बताती हूं आपको कि जिनको हृदय रोग है, कमर में दर्द है, या जिनको बीपी, जिनका बीपी हाई रहता है, या फिर जिनको हार्निया है, उन लोगों को भस्त्रिकासन करना तो है लेकिन धीरे धीरे करना है। देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। रोज करना है, लेकिन एक मिनट तक जरूर करना है, और इसी स्पीड में करना है। लेकिन जो लोग फिजिकली फिट हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, उनको, या फिर यंगस्टर, या फिर जो कोई भी बीमारी से जूझ नहीं रहे हैं, उन लोगों को भस्त्रिकासन स्पीड से करना चाहिए, मतलब हाई स्पीड में करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे, देखिए। इस तरह से इतनी स्पीड में करना है, लेकिन एक मिनट रोजाना करना है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, चाहे आप धीरे धीरे कर रहे हो, चाहे आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, लेकिन करना दोनों ही कंडीशन में एक मिनट तक रोजाना जरूर करना है, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि किस किस को भस्त्रिकासन नहीं करना है। नंबर एक, वह महिलाएं जिन्हें प्रेगनेंसी है उन्हें भस्त्रिकासन नहीं करना है, या फिर जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है। मेरा कहने का मतलब है 6 महीने से पहले भस्त्रिकासन नहीं करना है, या फिर जिन्हें मिर्गी आती है उन्हें भी भस्त्रिकासन नहीं करना है। तो आज मैंने आपको बताया
कि भस्त्रिकासन के फायदे क्या क्या हैं या फिर भस्त्रिकासन करते कैसे हैं, और फिर मैंने आपको लास्ट में भी बताया है कि भस्त्रिकासन किस किस को नहीं करनी चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा एक तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और नंबर टू कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस योगा पर देखनी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।